सीबीआई में चल रहे विवाद पर बुधवार को केंद्र सरकार ने अपना बयान जारी किया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली और कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद मीडिया से रूबरू हुए। सीबीआई विवाद पर अरुण जेटली ने कहा कि सीबीआई इस देश की प्रतिष्ठित संस्था है, इसकी साख बनी रहे इसके लिए केंद्र सरकार तत्पर है। वित्त मंत्री ने कहा कि सीबीआई में विचित्र और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति पैदा हुई है। दो वरिष्ठ डायरेक्टर पर सवाल उठे हैं, डायरेक्टर ने अपने नीचे और दूसरे नंबर के अधिकारी ने डायरेक्टर पर आरोप लगाया है। इसकी जांच कौन करेगा, यह सरकार के सामने सवाल है। यह केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता और ना ही सरकार इसकी जांच करेगी। अरुण जेटली ने कहा कि केंद्र सरकार का दायित्व सिर्फ सुपरविजन का है। मंगलवार को सीबीसी ने बताया कि दोनों अधिकारी इन आरोपों की जांच नहीं कर सकते और ना ही इन अधिकारियों के नेतृत्व में इस जांच को करना संभव है। लिहाजा जब तक यह जांच नहीं होती, इन अधिकारियों को इनके काम से मुक्त कर दिया गया है। इस जांच को अब स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को दे दी गई है और जब तक यह एसआईटी जांच पूरी नहीं कर लेती, इन अधिकारियों को सीबीआई से अलग कर दिया गया है। जेटली ने कहा कि हम सीबीआई के अधिकारियों में से किसी को दोषी नहीं मान रहे हैं। कानून के मुताबिक जब तक जांच पूरी ना हो, इसलिए अधिकारियों को बाहर कर दिया गया है। यदि जांच में उनकी भूमिका पर सवाल नहीं उठता तो वह वापस अपने कार्यभार को संभाल लेंगे, लेकिन निष्पक्ष जांच के लिए जरूरी था कि जांच की अवधि तक अधिकारियों को सीबीआई से बाहर रखा जाए। वित्त मंत्री ने कहा कि सीबीसी सुपरवाइजरी अथॉरिटी है और वह एसआईटी का गठन करेगी। सरकार की इस मामले में कोई भूमिका नहीं है और ना ही सरकार इसमें कोई भूमिका अदा करने की दिशा में दिख रही है। जेटली ने बताया कि मंगलवार को सीबीसी की मीटिंग हुई और बुधवार को सरकार ने यह फैसला लिया, लिहाजा सरकार की भूमिका पर सवाल उठने का कोई आधार ही नहीं है। गौरतलब है कि सरकार की तरफ से सीबीआई के दोनों शीर्ष अधिकारी सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा और स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना को छुट्टी पर भेज दिया गया है। इस फैसले को सरकार का इस मुद्दे पर सबसे बड़ा एक्शन माना जा रहा है। निखिल कुमार, पंजाब केसरी, दिल्ली।